की बैठक खत्म हो गई है, कहीं अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है। उज्जैन और बुधनी में मेडिकल कॉलेज को मंजूरी मिल गई है। 23 विकास खंडों में खुलेंगे नए ITI। तो 23 विकास खंडों में खुलेंगे नए ITI। उज्जैन और बुधनी में मेडिकल कॉलेज को भी मंजूरी मिल गई है। शिवराज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग गई। ये बड़ी खबर इस वक्त भोपाल से आ रही है, शिवराज कैबिनेट से जुड़ी हुई। बैठक खत्म हो गई है, मोहर लगी है महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर। उज्जैन और बुधनी में मेडिकल कॉलेज को मंजूरी मिल गई है। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, हमारे सहयोगी दिनेश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, आपसे जानना चाहेंगे कि ये महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगना था और वैसा ही हुआ, बैठक खत्म हो चुकी है, और क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी देखिए, उज्जैन और बुधनी में चिकित्सा महाविद्यालय की स्वीकृति दी है कैबिनेट ने। 23 नए ITI स्वीकृत किए हैं, विकास खंडों में खुलेंगे ये। जबलपुर में खिता खुदरी माध्यम सिंचाई परियोजना की स्वीकृति मिली है। रूरल टेक्नोलॉजी पार्क मुरैना में नवीन पदों की स्वीकृति हुई है। नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी भोपाल में खोलने के लिए जमीन की स्वीकृति दी है कैबिनेट ने, और राज्य सांख्यिकी आयोग गठन की स्वीकृति भी दी है। मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान की बात करें तो 150 करोड़ से बढ़ाकर 200 करोड़ की स्वीकृति हुई है। और वहीं पर एक सबसे बड़ी जो कैबिनेट ने निर्णय लिया है, वो विधायक को स्वेच्छा निधि राशि जो 15 लाख थी वो 50 लाख कर दी गई है। जी जी बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो कि कैबिनेट ने पास कर दिए हैं। और दिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो उज्जैन और बुधनी में मेडिकल कॉलेज को मंजूरी मिली है, भोपाल से खबर, जहां शिवराज कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। 23 विकास खंडों में खुलेंगे नए ITI, और इसके अलावा उज्जैन और बुधनी में मेडिकल कॉलेज भी खुलेंगे, इस पर भी मोहर लग चुकी है।